हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूमोफिलस लॉरिका। वेट अ सेकंड, आप लोग नहीं तो नहीं सोच रहे मैं कौन हूँ एंड मैम कहाँ गए? मैम कहीं नहीं गए, मैम का ही चैनल है। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस चैनल, जो कि थोड़ी बहुत एडिटिंग और डिजाइनिंग बिहाइंड द स्टफ चीजें देख लेता है। बाकी अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो अपने आप पता कर लेना, इफ यू डोंट नो ऑलरेडी। ऑफ कोर्स टाइटल एंड थंबनेल से ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज के बारे में है। आई नो दिवाली को निकले हुए थोड़ा टाइम हो गया, व्लॉग लेट हो गया, आई नो आई एम सॉरी। ना निकालने से अच्छा तो ये है कि निकाल देते हैं थोड़ा लेट ही सही। एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई नो दिवाली निकल चुकी है बट स्टिल आई वांट टू विश एवरीवन, आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो, आई होप आप सबने बहुत मजे किए हो एंड खूब सारा खाना ठूसा हो यार। सो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है ब्लॉग का, ज़्यादा शूट करने का टाइम भी नहीं मिल पाया था, तो जो भी वीडियोज़ जो भी फुटेज पिक्स क्लिक करी उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो के फॉर्म में बना दिया। ये सारा कुछ दिवाली वीक का ही है जो भी है इसके अंदर। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगे एंड अगर नहीं पसंद आएगा तो मत देखना यार, कोई इशू नहीं है, बट प्लीज़ डिसलाइक मत करना, बहुत मेहनत लगती है। ओके, जल्दी से बता देता हूँ कि इस ब्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो कुछ ब्यूटीफुल एंड स्वीट क्लिक्स ऑफ डेकोरेशन एट वी डेट, ऑफकोर्स दिवाली पूजा इन आर स्टाइल बाय द वे, वो इसलिए बिकॉज अभी बता दूँ एंड सम फूड दैट वी कुक्ड। सो लेट्स स्टार्ट। वेट, ये अभी नहीं दिखाना था, ये पूजा की बात। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब पूजा वाला शॉट आएगा तब मैं बता दूंगा आपको। तो हमारे एक्चुअली पूजा इस टाइप से होती है कि जब सनसेट कंप्लीट एंड हो जाता है तब तक हमारी पूजा भी एंड हो जानी चाहिए, एंड जब तक पूजा नहीं होती घर में हम लाइट्स नहीं जला सकते। तो उस टाइम जब हम एक्चुअली में पूजा कर रहे हैं तब घर में लाइट जल नहीं रही, तो हम शो भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ दिखेगा नहीं, कंप्लीट ऑलमोस्ट ब्लैक ब्लैक ही होता है, तो कुछ कैप्चर ही नहीं होता। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे वीडियो में कुछ दिखेगा ही नहीं पूजा का। रही बड़ा मम्मी ऑलरेडी बना चुकी थी, सो वी कुडंट व्लॉग इट, मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसी जो फोटोज बाद में दिख रही थी मैंने उसी को लेके आपको दिखा दिया। तो दिवाली का फेस्टिव सीज़न हो और कुछ खाने पीने को ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है ना। सो हमारे घर में बना दही बड़ा, वो मम्मी ऑलरेडी पहले बना चुकी थी तब उसको शूट नहीं कर पाए, बट वो बहुत यम्मी बना है, आपको कहीं ना कहीं पूरा व्लॉग में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो जी ललचाएगा बट कोई बात नहीं, उसकी रेसिपी फिर कभी बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल जो हम बनाने वाले हैं वो है पनीर टिक्का और मिंट चटनी, है ना। तो मैं शुरुआत करूंगी मिंट चटनी से, पहले चटनी बना लेते हैं, क्या जा रहा है एक काम, है ना, उसके बाद पनीर टिक्का बनाएंगे। तो चलिए, सो हमने लिया है यहाँ पे धनिया, फ्रेश धनिया, पुदीना लीव्स, ठीक है, ये पत्तियाँ मैंने पहले ही निकाल ली थी। उसके बाद मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, अदरक, ठीक है, अदरक कटा हुआ और थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो पीसा जाएगा, हरी मिर्च, जीरा पाउडर है, चाट मसाला पाउडर है और नमक है।
नमक आप सेंधा नमक या काला नमक जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक। नींबू और हमने लेना है दही, ठीक है, क्योंकि चटनी में आपकी दही डलती है। सो आपको इंग्रेडिएंट्स सारे पता लग गए मिंट चटनी के। अब मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान रखनी है, जितना आप धनिया लेंगे उसका हाफ आपको पुदीना लेना है। जैसे सपोज कीजिए आपने 1 कप धनिया लिया तो पुदीना आप हाफ कप लेंगे, ठीक है। या ज़्यादा चटनी बनानी है क्योंकि चटनी सब लोग बहुत खाते हैं घर में, तो ऑब्वियसली चटनी ज़्यादा बना के रखी जा सकती है, आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। कांच के बाउल में रखना है या चीनी मिट्टी के बाउल में, स्टील में या किसी और में नहीं रखना है ना, क्योंकि खट्टा डला है रिएक्ट कर जाएगा, सो ऑब्वियसली नुकसान कर सकता है। तो आपने सपोज कीजिए चटनी ज़्यादा बनानी है, 2 कप धनिया लिया, 1 कप पुदीना, ठीक। उसके अलावा मैंने आपको जितने मसाले बनाए हैं उसकी खासियत क्या है, आप थोड़ा थोड़ा डालिए, ज़्यादा मत डालिए, बिकॉज कुछ भी ओवर पावर कर जाएगा आप उसको कम नहीं कर सकते। लेकिन वो सारे मसाले ऐसे हैं कि चटनी बाद में बनने के बाद भी अगर आपको कम लग रही है तो ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं। नमक हो गया, चाट मसाला, जीरा पाउडर, कुछ भी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। दही भी आप थोड़ा डालिएगा, अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा कम लग रहा है तब और डाल दीजिएगा, ठीक है। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बस कुछ नहीं करना, पीस देना है और कुछ करना ही नहीं है। इतनी सिंपल है यार मिंट चटनी, और उसको आप ऐसे चटकारे लेके खाएंगे ना, मेरे को तो पहले मुंह में पानी आ रहा है। चटनी हमारी बनके हो गई है रेडी, ठीक है। ये जब आप ताज़ी बनाते तो ज़्यादा थोड़ी लिक्विड होती है, आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखोगे तो अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। सो अब हम बनाएंगे पनीर टिक्का। सो पनीर टिक्का का जो मेन चीज़ है वो है मैरिनेशन। मैरिनेशन वो जो आपका उसका जो मटेरियल होता है ना, जो उस पर लपेटा हुआ होता है, वो एक बार आप प्रिपेयर कर लेंगे तो बस उसके बाद तो आपने जो बारबेक्यू स्टिक होती है उसमें सीधे डाला और उसको माइक्रोवेव में रख दिया, अगर आप माइक्रोवेव भी बनाना चाहते हैं या जैसे भी बनाना चाहते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैरिनेशन कैसे प्रिपेयर होगा, किन मटेरियल से प्रिपेयर होगा, और उसमें भी आपके अलग अलग फ्लेवर हैं। मैं यहाँ पे अचारी और मिंट चटनी का मिक्स किया हुआ पनीर टिक्का बना रही हूँ, ठीक है। मैं जैसे मैंने मिंट चटनी बनाई है ना, उसका और अचारी दोनों का मिक्स बना रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आप देगी मिर्च वाला बनाना चाहते हैं या अचारी मस्ती वाला, उसके अकॉर्डिंग आप इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देंगे, आई विल लेट यू नो। तो पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या हैं पनीर टिक्का के लिए। सो मैरिनेशन के लिए आपको लेना क्या है, देखिए बेस तो आपका जो होगा कर्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ कर्ड रखी हुई है, कर्ड लेना है आपको। उसके अलावा आप इसमें जो मसाले डालेंगे वो होगा थोड़ा सा आपका अजवाइन लेंगे, थोड़ा आपका गर्म मसाला डालना चाहते हैं गर्म मसाला, भुना हुआ जीरा, हल्दी, ठीक, धनिया, काली मिर्च और काला नमक का मैंने मिक्सर बना के रखा है, मैं वो डालूंगी। आप दूसरा नमक भी डाल सकते हैं। कस्तूरी मेथी है, ये आपको थोड़ी सी ऐड करनी है। और फ्लेवर के लिए आप देख सकते हैं ये मैंने अचार लिया, और पचरंगा अचार इसका बहुत मस्त टेस्ट आता है। तो मैंने पचरंगा अचार और मिंट चटनी जो मैंने अभी भी बनाई, दोनों का मिक्स करने के बाद मैं मैरिनेशन प्रिपेयर करूँगी। उस मैरिनेशन को गाढ़ा करने के लिए हम डालते हैं भुना हुआ बेसन। बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, फाइन। एंड उसके अलावा नींबू खट्टेपन के लिए और मस्टर्ड ऑयल, इस सब को मिक्स करके, एंड यस गार्लिक पेस्ट, ऑब्वियसली इसको कैसे भूल सकते हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट जो हम पीस के रख लेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैरिनेशन के लिए प्रिपेयर करनी है, ठीक है। पहले हम मैरिनेशन प्रिपेयर करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी हम उसको कैसे मिक्स करते हैं। पनीर के मैंने क्यूब्स देखिए कट कर लिए हैं, थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रखा था कि अगर ज़्यादा पानी इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं करना कि सॉफ्ट ना रहे।
नमकीन चीज़ तो हम बना चुके हैं, मीठा भी कुछ होना चाहिए ना, फेस्टिवल है तो मीठा तो बनेगा ही बनेगा। सो आई थॉट ब्राउनी बनाई जाए, तो मैं इसलिए ब्राउनी बनाने वाली हूँ और बहुत यमी है। चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, और बहुत घर में बहुत इजीली बन जाएगी। सो ब्राउनी बनाने के लिए लोग मैदा यूज़ करते हैं, ठीक है, बट मैं आटा यूज़ करती हूँ, हेल्दी ब्राउनी है हमारी। सो आटा लिया मैंने, अंदाजे से लिया, आपको जितना बनाना है आप ट्रायल के लिए पहले कम ही बनाइएगा। चॉकलेट मेल्ट करके डालेंगे हम, ठीक, उसके अलावा कोको पाउडर जो आपका होता है वो डालेंगे, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बस इतने का ही इसका यूज़ है। इसके अलावा डलता है मिल्क एंड घी, ऑब्वियसली मिल्क एंड घी के बिना आपकी ब्राउनी नहीं बनेगी। और ये हैं ड्राई फ्रूट्स जिसे हम गार्निश करेंगे। आटे में कोकोआ पाउडर और जो हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालना है वो थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लिया है, और जो चॉकलेट थी ना उसको, चॉकलेट को हमने पहले मेल्ट किया है क्योंकि वो प्योर कोकोआ थी, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने प्योर चॉकलेट, उस जो हमने बैटर प्रिपेयर किया था अपनी ब्राउनी का, उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। और दूध जो आपने इसमें जब डालना है गरम करके ही डालना है, अदरवाइज़ आपका एक तो चॉकलेट प्रॉपर मेल्ट नहीं होती है, और जो आप बैटर क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी आपको गरम दूध ही डालना होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, फिर मैं इसमें घी डालूँगी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गाय का देसी घी डालती हूँ। हमारे घर में गाय का देसी घी बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी। ये मैंने घी डाल दिया, और मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क, ब्राउनी ऑब्वियसली डार्क होती है, मुझे थोड़ा और ज़्यादा डार्क पसंद है। सो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक पाउच, दो पाउच डाल सकते हैं, एंड उसको हम मिक्स कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी देखिए, वाह, हल्का सा आप टेस्ट कर लेना, अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी लगे कि हाँ थोड़ा और डार्क करना है या कुछ भी, फाइन। और अब हम डालेंगे इसमें मीठे के लिए, लोग शुगर या कुछ और डालते हैं, मैं डालूंगी इसमें देसी खांड। देसी खांड मैंने डाल दिया है, और देसी खांड मैंने मीठे के लिए डाला है। आपको शुगर डालनी है तो आप डाल सकते हैं, बट मैं हेल्दी रेसिपी में बिलीव करती हूँ, सो देसी खांड या पीसी चीनी, जिसे पीसी चीनी तो एक्चुअली नहीं होती है, कई लोग पीसी चीनी को देसी खांड कहते हैं, बट That's it. I hope you like this vlog. If you did, please tell us in the comment section below. And one more thing, अगर आपने पूरा vlog अब तक देखा है, so comments में लिखना I did it, so that मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने यहाँ तक vlog देख लिया है. And अगर vlog पसंद आया हो, तो please यार like कर देना, because apparently like करने से YouTube को ये पता चलता है कि लोगों को ये पसंद आ रहा है, वो ज़्यादा इसे promote करता है, so थोड़ा help हो जाएगा. And please share this vlog with everyone, with your friends, with your family. ठीक है, प्यार दो सबको, एंजॉय करो यार, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, टेक केयर।